ये है EGATE का K9 प्रोजेक्टर और आज इस वीडियो में मैं आपको इसके अनबॉक्सिंग और डेमो दिखाऊंगा और ये मुझे अमेजोन में 8,990 रुपए का पड़ा है और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। और इसकी जो लैंप लाइफ है वो 20,000 आवर्स है, जो कि काफ़ी 5 से 6 साल तक आपका चल जाएगा अगर आप डेली 2.5 से 3 घंटे कुछ भी कंटेंट देखते हैं इससे। तो चलिए देख लेते हैं पूरा वीडियो। तो फटाफट कर देता हूँ अनबॉक्सिंग, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपको। ये हमारी अनबॉक्सिंग हो गई और कुछ जो भी डिटेल्स हैं वो दी गई हैं आपके स्क्रीन में, ये देखिए, तो आप अच्छे से इनको पढ़ सकते हैं, बाकी मैं आपको बता भी दूंगा बाद में। ये निकला हमारा प्रोजेक्टर का बॉक्स, ये देखिए, और क्या क्या कंटेंट मिल जाता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमें मिल जाती है HDMI केबल, जो कि आप लैपटॉप से वगैरह कंप्यूटर वगैरह से चलाएंगे तो कनेक्टिविटी में हेल्प मिलेगी। ये है पावर केबल और ये रिमोट मिल जाता है हमें, काफी स्मॉल है, काफी कॉम्पैक्ट रिमोट। इसमें देख लेते हैं बैटरी मिलती है कि नहीं, तो देखिए बैटरी नहीं मिल रही इसमें, इंक्लूडेड नहीं है। और ये मिल जाती है एक वायर जिससे आप टाटा स्काई डिश टीवी भी कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट इस प्रोजेक्टर से। तो प्रोजेक्टर बाहर निकाल लेते हैं, ये निकला हमारा प्रोजेक्टर और ये है यूजर मैनुअल जिसमें दिया गया है कि कैसे आप रिमोट के क्या फंक्शंस हैं, प्रोजेक्टर के क्या फंक्शंस हैं और इसे कैसे ऑपरेट करेंगे। तो जब भी आप लें तो इसे आसानी से पढ़कर इसे ऑपरेट कर सकते हैं। और ये है वारंटी कार्ड जो कि 1 ईयर वारंटी के साथ आता है और QR कोड भी दिया है इसका मॉडल नेम, आप QR कोड स्कैन करके जान सकते हैं। ये देखिए 1 ईयर वारंटी लिखा हुआ है इसमें। तो इसको निकाल लेते हैं बाहर प्रोजेक्टर को और देखते हैं कैसा है लुक एंड फील। ये निकला हमारा प्रोजेक्टर, तो मैं दिखा देता हूँ इसका फिजिकल ओवरव्यू। ये देखिए फ्रंट में हमें मिल जाता है इसका LED लैम्प जो कि 20,000 आवर्स का लाइफ बैकअप देता है और इसका मैक्सिमम प्रोजेक्ट स्क्रीन है 150 इंचेस। ये साइड में मिल जाता है आपको पावर इनपुट, तो जो पावर केबल है यहाँ से कनेक्ट करेंगे और डायरेक्ट प्लग में लगाएंगे तो प्रोजेक्टर ऑन हो जाएगा। ये देखिए, और ये सॉलिड बिल्ड है, ABS प्लास्टिक कंस्ट्रक्शन है, ये होल प्लास्टिक है, ये ABS प्लास्टिक, तो काफी ड्यूरेबल भी है, काफी सॉलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये मिल जाता है आपको VGA इनपुट, जो कि कई सारे कनेक्टर होते हैं, VGA से आप लैपटॉप में डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। और ये इस साइड मिल जाता है आपको ऑक्स इनपुट, AV इनपुट और HDMI, 2 HDMI इनपुट्स मिल जाते हैं और 1 USB पोर्ट मिल जाता है आपको। कूलिंग फैन एंड स्पीकर भी इन बिल्ट है इसमें, ये देखिए कूलिंग फैन लेफ्ट साइड में और राइट साइड में स्पीकर मिल जाता है। ये देखिए बैक साइड देखेंगे हम तो रूफ माउंट होल मिल जाते हैं 2, ये देखिए 2 दिए हुए हैं, तो आप माउंट भी करा सकते हैं वॉल में, रूफ में, जैसे भी माउंट लेकर इसका जो भी आता है हमारा। और ये है मॉडल नेम वगैरह दिया हुआ है इसमें। फ्रंट में देखेंगे यानी कि ऊपर साइड देखेंगे तो आपको सारे बटन्स के इनपुट्स मिल जाते हैं। अगर आपको रिमोट से आपको नहीं इसको ऑपरेट करना है तो इससे डायरेक्ट ऑपरेट कर सकते हैं और हमें 2 नॉब मिल जाती हैं फोकस और कीस्टोन की, तो आप इसको भी ऑपरेट कर सकते हैं अच्छे से, फोकस भी और कीस्टोन, मतलब आप अपनी स्क्रीन को टिल्ट कर सकते हैं नॉर्मली। ये मिल जाती है आपको LED इंडिकेटर लाइट ऊपर साइड रेड कलर की, जैसे ही ऑन करेंगे तो ब्लू इंडिकेटर देगा ये। तो चलिए इसको कनेक्ट करके देख लेते हैं। ये हमारा निकला पावर केबल, इसको करते हैं कनेक्ट और देखते हैं कैसे है LED लेंस इसका, कैसे लाइट प्रोड्यूस करता है। ये देखिए मैं करूंगा इसको पावर ऑन, ये देखिए, और ये हमारा प्रोजेक्टर स्टार्ट हो चुका है। मैं दिखा देता हूं इसकी स्क्रीन आपको, ये देखिए ये इसकी स्क्रीन और ये इंटरफेस, फर्स्ट इंटरफेस ऐसा ही है इसका, मीडिया सोर्स, मीराकास्ट, iOS कास्ट,
यूट्यूब सेटअप भी है इसमें, तो डायरेक्ट सेटअप में जाकर आप वाईफाई सेटअप कर सकते हैं। और ये है सोर्स का, जो HDMI 1 एंड 2, VGA एंड AV सारे इनपुट्स हैं, और USB लगाएंगे तो USB का इनपुट भी इसमें दिखाएगा। ये है Miracast iOS Cast, ये उस खुद की ऐप है कोई। YouTube में अभी कनेक्शन मैंने सेटअप नहीं किया है, तो चलिए सेटअप में चलते हैं। ये मैंने सेटअप स्टार्ट किया, अपने वाईफाई से कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो डायरेक्ट आप सेटअप में जाएंगे, वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा। और ये मैंने आफ्टरनून में शॉट लिए हैं, तो आफ्टरनून में देखिए कमरे में कहीं से दो तीन जगह से यहाँ पे रोशनी आ रही थी, तो उसकी वजह से ऐसा लुक आ रहा है, बट फिर भी विजिबल है, अच्छे से आप कंटेंट देख सकते हैं। और ये मैंने यूट्यूब में जो दी गई है ऐप इस प्रोजेक्टर की, उससे मैं इसको रन कर रहा हूँ। और ये देखिए काफ़ी अच्छा स्क्रीन प्रोड्यूस कर रहा है ये। तो Miracast भी दिखा देता हूँ, अपने मोबाइल से कनेक्ट किया हुआ है मैंने। ये देखिए ये मेरे मोबाइल की स्क्रीन है और वॉल पे ही दिख रही है। अमेजोन प्राइम का एक ऐड लगाया मैंने, जो कि द फैमिली मैन है, और इसकी भी देखेंगे तो लुक वाइज ठीक है। Miracast भी अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं आप, इजिली कनेक्ट हो जाता है डायरेक्टली डिस्प्ले सेटिंग में जाके। ये देखिए काफ़ी अच्छा स्क्रीन प्रोड्यूस करता है, और 150 इंचेस मैक्सिमम है इसका स्क्रीन। और ये है की स्टोन सेट करने का, और ऊपर वाला नॉब है फोकस सेट करने का, तो इसको आप चेक कर लीजिएगा। तो चलिए आफ्टरनून व्यू तो मैंने आपको दिखा दिया, अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक नाइट व्यू, जो कि मैंने छोटा सा लिया था। और सॉरी फॉर द शेकी वीडियो, क्योंकि उस समय मेरे पास ट्राईपॉड नहीं था और मैंने हाथ में लेकर मोबाइल से वीडियो शूट किया है, तो काफ़ी हद तक ठीक आ गया, आपको देखने के लिए काफ़ी हद तक ठीक है, बट शेकी है। तो आप इसका व्यू देख सकते हैं, ये क्रिकेट चल रहा है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का, काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस के साथ है इसका। और इसका जो भी लुमिनेंस है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं लुमिनेंस कितना है इसका। और होप सो वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।